मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके सीएम के सपनों के शहर इंदौर में आबकारी विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी को उसी विभाग के आला अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि हाल ही में इंदौर में आबकारी विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने अपने ही विभाग के आला अधिकारी कल्याण सिंह अलावा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। इस मामले की जाँच इंदौर की विजयनगर पुलिस कर रही है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि आबकारी विभाग के सहायक अधीक्षक कल्याण सिंह अलावा उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कल्याण सिंह अलावा ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की है। महिला ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी कल्याण सिंह अलावा ने उसे विभागीय स्तर पर परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जहाँ पुरुषों को ड्यूटी पर भेजना चाहिए वहाँ उन्हें भेजा गया। इतना ही नहीं, बेवजह उनका ट्रांसफर करवाने की कोशिश की गई और कई बार तो प्रमोशन लिस्ट से महिला का नाम भी हटवा दिया। वहीं महिला ने अफसर की इस हरकत से परेशान होकर बिना वेतन अवकाश भी ले लिया ताकि आरोपी से पीछा छूट सके। इसके बाद महिला ने नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन आरोपी अफसर ने उसे नौकरी भी नहीं छोड़ने दी। वहीं आरोपी कल्याण से अलावा लगातार अपनी मांग मनवाने के लिए महिला पर दबाव बनाता रहा। यही नहीं, अलावा ने धमकी दी कि नौकरी भी नहीं छोड़ने देगा और अगर उसकी मांग नहीं मानी तो बर्खास्त भी करवा देगा। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि महिला कर्मचारी ने प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर महिला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही महिला ने ये चेतावनी भी दी है, यदि उसकी मांगे नहीं मानी गई और उसे न्याय नहीं मिला तो वहाँ आत्महत्या कर लेगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब शासकीय विभागों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं के क्या हाल होते होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सर, मामला ये है कि मैं आबकारी विभाग में लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं बहुत छोटे पद से यहाँ तक प्रमोशन होकर मेहनत करके ये मैंने पद हासिल किया है, लेकिन हमारे विभाग के कल्याण सिंह अलावा जो वर्तमान में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं उनके द्वारा मुझे 2006 से लेके वर्तमान समय तक मुझे अत्यधिक प्रताड़ित कर दिया गया और उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसके संग शारीरिक संबंध बनाऊं और मैं उसके साथ उसकी वो सब इच्छाएं पूरी करूं जो मेरे बस के बाहर थी। मैंने उन चीज़ों का विरोध किया जिस कारण से उसने मुझे प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने से कभी ड्यूटी लगाकर, कभी मेरी पदोन्नति रोककर, कभी मेरा स्थानांतरण कराने की धमकी देकर उसने अपनी हर इच्छा पूर्ति करवाने की मेरे से कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसकी शिकायत मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से भी समय समय पर करती रही, लेकिन मेरे आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारियों द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली गई। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान तक मैंने ये शिकायत पहुंचाई, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे किसी प्रकार की ना कोई सहायता मिली। सभी से यही निवेदन करती हूँ, मुख्यमंत्री साहब मुझ अबला की इस लज्जा को बचा लीजिए, क्योंकि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगी। आबकारी विभाग की एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी द्वारा सहायक अधीक्षक के खिलाफ छेड़खाने की कंप्लेंट की है, उसकी जांच की जा रही है। वो विगत एक दो साल से प्रताड़ना बता रही है, उसकी जांच वहाँ पर जो कमेटी थी उसने भी की है, उसने अन्य जगह भी कंप्लेंट की थी। उस सब चीज़ की अभी प्रकरण की विवेचना के दौरान सारी जांच उसमें संलग्न कर तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।